A terrible blank page stands against bloody terrific ideas. That's the genesis of any good story. छंड जिंदगी है एक राइटर की, बैठे बैठे दिमाग और पिछवाड़ा दोनों सुन हो जाते हैं। खुद मुर्दा बन के बैठे रहो ताकि इस पेज में जान आ जाए, पर कहानी मिले तो 5 दिन 15 शैग्स और 500 सिगरेट्स फूकने के बाद भी ये ब्लैंक स्क्रीन मुझे घूर रहा था, चिढ़ा रहा था, छेड़ रहा था। तभी जैसे कुछ चमका, लगा कागज पर रुकी हुई कहानी अब जंप स्टार्ट लेगी और मुझसे मिलने के लिए दरवाजे के उस पर खड़ी होगी, वेटिंग टू सरप्राइज मी। चूतिया कचरे वाला। फक, क्या ये है मेरी ऑर्डिनरी स्टोरी का एक्स्ट्रॉर्डिनरी किरदार? ओए! शाहरुख नाम था इसका, पर था ये बिल्कुल हीरो का ऑपोजिट। कचरा उठाने के अलावा सोसाइटी का सारा बेकार का मिनी महाशय के कंधों पे था। एक ऐसा आदमी जिसमें किसी को कोई इंटरेस्ट या दिलचस्पी नहीं थी सिवाय मेरे। इस कचरे वाले में मैं अपनी कहानी ढूंढ रहा था और वो दूसरों के कचरों में उनकी। किसका किससे ब्रेकअप हुआ, किस फ्लैट में कौन बाप बनने वाला था या बनाने वाला था किसने रात भर कितनी डकार और कैस मारी, पिछली रात किसने किसकी ली और कितनी बार ली। ये कचरा उसके लिए जैसे राज की खुली किताब थी, जो अगर खुल जाए तो सोसाइटी के आधे घर टूट जाए। पर इसकी जिंदगी में अगर किसी को झांकना हो तो कोई कैसे झांके? फिर मुझे दिखा इसका एक यूनिक टैलेंट, सोसाइटी के इंटेलेक्चुअल्स को गांजे की होम डिलीवरी का। बस मिल गया मुझे रास्ता। माल किसी भी टाइप शेप या फॉर्म का हो, दो लड़कों के बीच इंस्टेंट दोस्ती कराई देता है। कुत्ते को पूंछ हिलाते हुए तो कई बार देखा है साहब, आज पहली बार पूंछ कुत्ते को हिला रही है। कहानी कचरे में नहीं साहब, ढूंढने वाले की आंखों में होती है। इससे पहले कहां काम करता था? किसी को बताओगे तो नहीं साहब? मैं वो डर वाला शाहरुख था, लड़की के चक्कर में मारा गया। अबे कचरा तो सब फेंकते हैं, सोसाइटी वालों को अगर पता चल गया कि उनके कचरे से उन्हीं के राज खुलने वाले, ना तू धोने लायक बचेगा ना पोछने। क्या साहब, एक तो ड्यूटी के वक्त ये सुड़की भी लगवा रहे हो, साथ में ले भी रहे हो, कोई वटी में ज्यादा खिली तो यहीं मरा मिलूंगा मैं। चिंता मत कर, गांजा पी के आज तक तो कोई मरा नहीं है, लेकिन अगर इसमें थोड़ा पेनक्यूरोनियम मिला दिया जाए तो कुछ ही देर में आदमी खत्म। ये सब इसमें लिखा है? कहानियां तो रोज छपती अखबारों में, ढूंढ लिया तो बेस्ट सेलर, नहीं तो बस टॉयलेट पेपर। कहानियों का क्या साहब, आप बोलो तो बैठे बैठे 2-4 बना के यही सुना डाल। दरअसल हम सब ना एक कहानी के ऊपर ही बैठे हुए, लेकिन हम लोगों को पता नहीं चलता। बहन चौद, ये मुंबई है, खिड़की के बाहर पत्थर भी फेंकेगा ना तो भी किसी ना किसी कहानी बस कोई लगेगा साहब आपकी आंखों में भी ना मुझे स्टोरी नजर आ रही। क्यों? लव स्टोरी टाई।
साहब, इसमें और क्या क्या इंटरेस्टिंग स्टोरीज है? एक अनोखा मर्डर सुनेगा, एक अनोखा अद्भुत सोचा समझा क्राइम, और खून करके कातिल ने केमिकल्स डाल के लाश को फ्लश कर दिया। क्या हुआ? क्या हुआ? कातिल के अपने साथ तेजाब लेकर गया था, अमोनिया और बाकी केमिकल्स भी, ताकि घर में खून का नामो निशान भी ना मिले। ओ साला, कातिल था या भूत चुड़ैल? उसने लड़की की लाश ही गायब कर दी। तो पुलिस को खून के बारे में कैसे पता चला? चूतिये से गलती हो गई, लाश की दो कटी हुई उंगलियां फ्लश करना भूल गया। अरे अपना पांडु भी यही बोल रहा था, कह रहा था कि इस तरह के लोग बहुत डेंजर होते हैं, एक बार किसी पे नजर डाली तो भूत की तरह पीछे चमट जाते हैं, फिर कब कहां किसे मार के चले जाते हैं किसी को पता ही नहीं चलता। लो साहब, दुनिया में सबसे खतरनाक जगह पता है कौन सी है? ये कभी कचरे में मिली ऐसी कोई कहानी? क्या साहब, कचरा गूगल थोड़ी ना। कम ऑन, सरप्राइज मी। अपनी पूजा ना, पूजा आंटी 303 वाली। सेक्रेटरी के बेटे बॉबी के साथ उसका चक्कर चल रहा है, सबको पता है। तो जो नहीं पता वो सुनो। अब उस दिन बॉबी को खुजली की बीमारी हो गई थी, तो मैडम सड़ी हुई बैठी थी, मुंह से बोली पता नहीं कहां कहां से बीमारी उठा के लाते। मैं फटाफट उसके लिए दवाई लाया। अरे उसके 4 घंटे बाद नीचे के फ्लोर की निकिता मैडम ने जब कचरा दिया तो उसमें से भी वही दवाई निकली। शेम टू शेम। अब बता कहां कहां से बीमारी उठा के लाता। साहब, एक साइड लड़की हो एक साइड पैसा हो तो साइड खुद की ले लीजिए। क्या चूतिया पगला गया क्या? क्या चूतिया पगला गया साहब, कचरे वाले को खुद अपने घर में बुलाकर सुड़की लगवा रहे। आपका लफड़ा क्या साहब, रोकड़ी या छोकरी? छोकरी का ही तो लफड़ा होता है हमेशा। समटाइम्स मिस्ट्री इज अ बिच। हाल ही में मेरी राइटिंग से खुश होकर लखनऊ के नवाब ने मुझे यह एंटीक मूर्ति गिफ्ट की। उसी की रिसर्च के लिए मैं लाइब्रेरी कैफे में बैठा हुआ था कि वो मुझे दिखी। तेरे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुझे पता हो कि तू सपना देख रहा है? But you're so bloody wanna go with the flow। तुझे पता हो कि गलत हो रहा है लेकिन you still let it overpower you। नाम क्या था उसका? सपना। और फिर वो घर आई। सोचा नहीं था, but couldn't resist falling in love with you। सुबह उठा तो वो गायब थी और उसके साथ वो मूर्ति भी। Bitch, life sometimes, women always। पर कुछ तो मिला होगा उसे कुछ ढूंढने के लिए, कहीं कुछ सुराग? ऐसा लगा था उसके साथ कोई होता था पर पता नहीं। पर कहानी में ट्विस्ट तब आया जब जिसके लिए मैं दर बदर भटक रहा था वो खुद चल के मेरे घर पे वापस आ गई, जैसे कि वो मूर्ति कभी घर से जाने ही नहीं चाहती थी। वो क्यों आई क्यों चली गई ये राज शायद मैं कभी नहीं जान पाऊंगा। चुड़ैल का चर है, इतिहास का हिस्सा है ये, जितनी पुरानी उतनी कीमती। प्राइसलेस, बेश कीमती। साहब, मेरी भी एक स्टोरी सुनोगे? इसी बिल्डिंग की बात है साहब, मैं अपने कूड़े करकट वाले टाइम पास में लगा हुआ था। वेयर वी कैन मीट, उन अजीब से पर्चियों का मैसेज समझ नहीं पा रहा था।
beneath it. What lies? One big secret. Forget it. If you are not interested, बहुत सोचा, फिर उन पर्चियों पे लिखे हुए एड्रेस की तरफ चल पड़ा। Imperial Towers, मैं उसकी बेसमेंट से गुजर ही रहा था कि मैंने वहां एक बक्से में वो मुस्कुराता हुआ कार्टून देखा, बिल्कुल वैसा जैसा उन पीली पर्चियों में था। बक्सा खोलते ही मैं चमक गया, उसमें अंदर आप ही की ये चुड़ैल मूर्ति थी, सेम टू सेम। मैं तो जैसे पागल हो गया, जैसे तैसे करके मैंने उसे अपने बैग में फिट करने की कोशिश की। कुछ दूर चलने पे मुझे लगा कि मेरा बैग एकदम हल्का हो गया। बैग खोला तो मेरी फट गई, ना कहीं रुका ना ठहरा, तो उस बैग में से वो चुड़ैल मूर्ति गायब कैसे हो गई? साहब, आपको क्या हुआ साहब? साहब क्या हुआ साहब? तुझे पक्का पता कि उन पर्चियों में इंपीरियल टावर से लिखा था? क्यों साहब? पर्चियां मैंने लिखी थी जो तूने उल्टी पढ़ ली। उसने एक पर्ची पे अपना एड्रेस लिखा था, पर मैंने बिना देखे अपना विजिटिंग कार्ड छोड़ दिया। मुझे याद नहीं कि वो पर्चियां मैंने कहां छोड़ी थी, लेकिन अब जाके रियलाइज हुआ कि उन पर्चियों पे और अनोखे मर्डर की खबर वाला एड्रेस सेम था, इंपीरियल टावर्स। तुम अब तो मेरा पीछा छोड़ दो। तुमने जहाँ कहा था मैंने स्टैच्यू वहीं छोड़ दिया। इतना बड़ा इत्तेफाक। वो कभी मुझसे इसे चुराने ही नहीं चाहती थी। अपने ब्लैकमेलर को धोखा देने के लिए उसने मूर्ति का डुप्लीकेट बनाया था। मेरी चीज तो उसने हमेशा से संभाल के रखी थी। डुप्लीकेट? फिर वो मेरे बैग में से गायब कैसे हो गई? क्योंकि वो पुतला नमक का बना था। तीन अलग अलग जिंदगियां एक दूसरे को इस तरह से छू कर निकल गई। तुम्हें पता ही नहीं। अरे साहब क्या हुआ? ठीक हो? शायद थोड़ी चढ़ गई है। आप आराम करो साहब, मैं चलता हूं। नहीं रुक, अपनी पकड़ लेके जा। आपका लबड़ा कैसा? रोकड़ी या छोकरी? सोचा नहीं था। Couldn't resist falling in love with you. कातिल के अपने साथ तेजाब लेकर आए? अब तो मेरा पीछा छोड़ दो। लाशी गायब कर दी। Wait a minute. मैंने तो उसे बताया नहीं कि खून किसी लड़की का हुआ या लड़के का।
हम सब ना खाने के ऊपर ही बैठ रहे हैं। दुनिया में सबसे खतरनाक जगह पता है कौन सी है? इस कचरे वाले में मैं अपनी कहानी ढूंढ रहा था। मैं वो डर वाला शाहरुख हूँ साहब, और वो दूसरों के कचरों में उनकी लड़की के चक्कर में मारा। अपने ब्लैकमेलर को धोखा देने के लिए उसने मूर्ति का डुप्लीकेट बनाया था। एक बार किसी पे नजर डाली तो एक बार ऐसा लगा था उसके साथ कोई होता है। उसकी तरफ पीछे चमड़ जाता फिर कब कहाँ किसे मार के चले जाते हैं किसी को पता ही नहीं चलता। इस तरह के लोग बहुत डेंजर होते हैं। नजर डाली तो अगर इसमें थोड़ा यूरेनियम मिला दिया जाए तो एक साइड लड़की हो एक साइड पैसा हो तो साइड खुद की ले लीजिए। कुछ ही देर में आदमी गांजा पी के आज तक तो कोई मरा नहीं। ये आपके लिए। Sometimes mystery is a bitch. Mystery is a bitch. Come on, surprise me. आई होप आप लोगों को हमारी ये एफर्ट पसंद आई होगी। प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड शेयर। एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है, क्लाइमेक्स किसी के साथ शेयर मत कीजिए वरना स्पॉइल हो जाएगा बाकी लोगों के लिए। सब्सक्राइब फॉर अ न्यू शॉर्ट फिल्म डेली एंड इफ यू हैव अ गुड स्टोरी और अ कॉन्सेप्ट फील फ्री टू ईमेल इट टू अस एट info@pocketfilms.in। वेटिंग फॉर योर पॉजिटिव रिस्पांस एंड फीडबैक। थैंक यू, सी यू सून।